ये जी हम आए हुए हैं स्पोर्ट्सिला और ये उनका है फूड लाउंज। ये है मेरी फ्रेंड और ये ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है यहाँ पर। ये इनका फूड लाउंज है। मैं आपको इसके सारे जो है ना रूम दिखाती हूँ। गो कार्टिंग जो कि भी हमारी टर्न नहीं है। एंड दिस इज द गेमिंग जोन। इसमें एक्स बॉक्स है और कौन सी है, आप कौन सी प्ले करने के साथ, PS4 और 5? ये देखें, दिस इज द गेमिंग जोन। हो रही है स्टार्ट, आप करो, अभी होती है स्टार्ट, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जहाँ पर आपके पास सारी बोर्ड गेम्स हैं। लुक एट दिस, मोनोपोली और लूडो, कैरम्स, फुटबॉल, चेस, वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी कलरफुल प्लेस। मतलब इट्स कम्प्लीटली अ हैपनिंग प्लेस। कि नेक्स्ट अगर आप रूम में जाएंगे तो दैट इज़ अ पिंग पोंग, जहाँ पर आपको टेबल टेनिस मिलती है। ये देखें जी आप, ये उसका रूम है, बहुत ही क्योंकि ये नया बना हुआ है तो इट्स वेरी स्पेशियस। और ये जो है ना सबसे बेस्ट चीज़, गो कार्टिंग, दिस इज़ द स्नूकर एंड द बिलियर्ड क्लब। ओके, और ये देखें कितना लंबा सारा इसका, कितना स्पेशियस जो है वो सिटिंग एरिया है, जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी वेकेशन इवनिंग को और अपने टाइम को। सो इट्स टाइम टू स्पेंड देयर। जी यहाँ पर जो है अभी वर इंजॉइंग द कैरम बोर्ड, जो कि मैं अपने बच्चों को आई वॉज ट्राइंग टू मेक दैम लर्न, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि मेरे बच्चे कैरम बोर्ड खेल रहे थे और दे वर आस्किंग मी मामा ये क्या है, ये कैसे खेलना है, क्या करना है। आई वॉज ट्राइंग टू मेक दैम लर्न, इट वॉज रियली फन एक्टिविटी। आप बच्चों को अपनी इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में लेके जाएँ, फन एक्टिविटीज़ में लेके जाएँ, बोर्ड गेम्स खेलें, इसमें उनका ब्रेन एक्टिवेट होता है और उनकी जो एक पर्सनैलिटी होती है उस पर फ़र्क पड़ता है। बिकॉज जितनी आप उनको गेमिंग जोन में लेके जाएंगे ना, और वो स्टक रहेंगे सिर्फ वीडियो गेम्स पर, तो वो उनके ब्रेन पे एक साइड इफ़ेक्ट होता है। जब वो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी वाली गेम जिसमें और लोग भी उनके साथ इंगेज हो रहे हैं और उन्होंने प्ले करना है, तो वो हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उनकी पर्सनैलिटी पर। वो सारा एरिया जहाँ पे मैंने भी आपको दिखाया क्लब्स के जो रूम्स हैं फॉर द गेम्स। सॉरी, इट्स रियली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई वुड से कि आप लोग ज़रूर जाएं और ये जो कार्टिंग की एक्टिविटी है ना, ये ज़रूर करें, इट बी रियली फन। बहुत इजी होती है और ये कुछ जी कंटेंट क्रिएटिंग की कोशिश की जा रही है कि कंटेंट दिया जाए। और उसके अलावा मैं आपको ज़रूर कहूँगी आप लोग ज़रूर जाएँ, बहुत ईजी होता है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कार्टिंग में, लेकिन इट्स रियली रियली फन हैविंग एक्टिविटी। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे और स्पेशली इन दिस सीज़न, जब आप ये विंटर में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि गर्मियों में आप हेलमेट पहन के एक्टिविटी करना, इट्स लाइक टोटली हेल। तो आजकल जो है बेस्ट सीज़न है, बच्चों की भी वेकेशन है, अपने बच्चों के साथ जाएँ, उनके लिए भी बहुत फन एक्टिविटीज़ हैं, आपके लिए भी हैं। उसके अलावा खाना बहुत अच्छा है, आप वहाँ खाना भी इंजॉय कर सकते हैं। मैंने ये सूप पिया था, उसके बाद कुछ रिफ्रेशमेंट्स थी वो ट्राई की, एवरी थिंग इज़ सुपर्ब, वी थॉरली इंजॉयड। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट विजिट अपने जो है फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर करूँगी और उसकी भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। टिल देन आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ हाउ इज इट? अच्छा जी, वो बोल भी नहीं पा रहे। रियान सूप कैसा है? अच्छा नहीं है, फिर पी क्यों रहे हो? मीठा है? सीधा ट्राई करो, सूप कैसा है? ये जी अब होने लगी है रिबन कटिंग सेरेमनी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ओनर्स। वो कटिंग के जितने भी राउंड्स हैं वो सब खत्म हो चुके हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द सेरेमनी एक्चुअली।
So this was all about Sportzilla. I hope you liked the video. Thank you so much for watching, and don't forget to like, subscribe and share my channel.